नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय के द्वारा आज की सोशल वेलफेयर ट्रस्ट एवं ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी एवं यूनिसेफ के सहयोग से एक निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन वीर क्लिनिक पचेंडा रोड पर किया गया, जिसका आरके ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। डॉक्टर भारतवीर प्रजापति वीर क्लिनिक ने क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक अभियान भी चलाया, जिसमें उन्होंने लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे क्षेत्र में रिक्शा घुमाई और साथ ही जनता के साथ जनसंचार करते हुए उनको वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया, जिसको देखते हुए वैक्सीनेशन कैंप पूर्ण रूप से सफल रहा। वीर क्लिनिक के डॉक्टर भरतवीर प्रजापति ने जिला चिकित्सालय एवं आर के ट्रस्ट और क्षेत्र के गणमान्य लोगों को धन्यवाद किया कि वो इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप लगवा रहे हैं। हम उनके सदैव आभारी हैं और हमेशा उनके कार्यों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। चरथावल विधानसभा के कर्मठ भाजपा नेता प्रवेश मलिक ने जिला चिकित्सालय और आर के ट्रस्ट, शिव कुमार भगत जी और डॉक्टर भरतवीर प्रजापति एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों का धन्यवाद करते हुए जनता से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। शिव कुमार भगत जी ने कहा कि सभी अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं और आज हम सब ने मिलकर संयुक्त रूप से फीता काट कर वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया है। हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल भी कायम की है। आर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी सरफराज ने डॉक्टर भारतवीर प्रजापति और जिला चिकित्सालय की पूरी टीम शालू चौधरी, ANM पिंकी रावत, सगनी रेखा जोशी, आशा रश्मि आशा और जिला चिकित्सालय ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी यूनिसेफ और क्षेत्र के गणमान्य लोगों का धन्यवाद किया। वह लगातार अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मैं प्रवेश मलिक हूँ और मैं चरथावल विधानसभा से टिकट उतारती हूँ और आज यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप लगाया, फ्री कैंप लगाया है और आज देश में बहुत स्वच्छता की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि तीसरी लहर आ चुकी है कोरोना की, उसके लिए आज ये फ्री कैंप लगाया है यहाँ पे पचंडा रोड स्थित वीर क्लिनिक पे। सभी देशवासियों से यही अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन लगाए करवाए अपने यहाँ पे, और इसे जो भी वैक्सीनेशन मेला लगा हुआ है इसको सुचारू रूप से चलाए। जो वैक्सीन बच्चों के लिए आ रही है उसमें बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, वो सभी उनके माता पिताओं को आगे बढ़कर। शिव कुमार भगत जी मेरा नाम है और आर के ट्रेस से जो भी ये काम हो रहा, कार्यक्रम बहुत हो रहे हैं इनके और जन जो लोगों को मैं परिचय इनका जा रहा, बहुत अच्छा जा रहा क्योंकि सेवा में लगे हुए रात दिन और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं वैक्सीन का, और जहाँ भी ये लोग फ्री कैंप लगवा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे आगामी चुनाव भी आ रहे हैं और आज यहाँ पे फीस साल भी कायम हुई है, सभी जाति बिरादरी के लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया है, क्या क्या? देखो ये तो एक बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है क्योंकि भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ है और भाईचारा ही बना रहे तो बहुत अच्छा है, वो चुनाव हो या ना हो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चुनाव के दृष्टि के आते हैं तो इस तरीके से देखा जाता है, जातिवाद का एक यहाँ पे अक्सर मुद्दा बनता है ना। जातिवाद वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन जातिवाद परिचय देते हुए हम दोनों साथ मिलके हम लोग साथ आए, हाजी जी ने हमें आवाज़ दी तो हम भी साथ में आए, तो ये तो एक भाईचारा है हमारे यहाँ और भाईचारा ही बना रहे, इलेक्शन हो चुनाव हो या कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ है। इस बस्ती में हमने भाईचारे को देखते हुए ये आज हम दोनों साथ मिलके इसीलिए इसका वो दिया कि लोगों को पता चले कि चाहे लोग सियासत वाले कुछ भी फैलाएं, मगर जो हम साथ रहेंगे वो हमेशा साथ ही रहेंगे और एक दूसरे के बिना नहीं काम चलेगा। आर्के ट्रस्ट का अध्यक्ष हाजी सरफराज, ये स्वास्थ्य विभाग और आर्के ट्रस्ट की तरफ से कैंप लगाया गया है और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराएँ और जो बच्चों की 3 तारीख से शुरू होने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और तीसरी लहर से महफूज रहें। आगे भी ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और वीर क्लिनिक का हम बहुत आभारी हैं, उन्होंने जनता के लिए अपनी जगह दी और इसके लिए बड़ा सहयोग करा और ये सुबह से बड़े प्रचार में लगे हुए हैं, इनके बहुत शुक्रगुजार हैं और स्वास्थ्य विभाग के भी ज़्यादा से ज़्यादा आए वैक्सीनेशन करें।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U News को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।